सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सोना जंगल आला हज़रत फरमाते हैं खाली जंगल, सोना बिल्कुल खाली और अंधेरी रात, और आला हज़रत फरमाते हैं कि चोर रखवाली तो बैठे जागते रहे है। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं। अल्लाह से फरमांदे के वो चोर है जरा तेरा ईमान ले जाता। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सोना बन है सोना पास है, सोना जाहिर है उठ प्यारे। आला हजरत बरेलवी ने तीन जगह ते अलग अलग मानी नाल एक ही लफज इस्तेमाल किया। सोना बन है दा मतलब है कि खाली है, तो सोना पास है दा मतलब है दीन है जी, और सोना जाहिर दा मतलब है कि तू सो गया। सोन नूं सोना कहंदे, एक सोना दौलत भी होंदी जी। तो ये आला हज़रत एक ही लफ्ज़ लैके आए इस शेर के अंदर, लेकिन अलग अलग मानियां नूं लैके आए। सोना बन है सोना पास है, सोना जाहिर है उठ प्यारे। तू कहता है नींद है प्यारी, तेरी मत निराली है। अल्लाह दे फरमांदे कि चोर रखवाली तो मीठा, और तेरे को दीन भी है, तेरे को दौलत भी है, और तू सो भी रहा जी। अल्लाह दे फरमांदे कि तू उठ जा, अगर तू ए बावजूद अपनी नींद नु प्यारी समझ के तू सो रहा तो तेरी मत निराली है। अल्लाह, सोना बन है सोना पास है, सोना जाहिर है उठ प्यारे। तू कहता है नींद है प्यारी, तेरी मत निराली है। इस वक्त भी आके मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे ओ फकीर जिन्ना स्याही खर्च की ना इलम दी किताबा लिख के, तो मेरे आका मौला ने फरमाया कि उन्होंने स्याही जिहड़ी उन्हें खर्च की ओ शहीदां दे खून तो वध जाएगी। क्यामत आले दिन जिहड़े साडे बुजुर्ग जी हजूर गौस पाक ने गुनिया तो तालिबीन लिखी जी, हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने कशफुल महजूब लिखी जी, हाँ पीर मेहर अली शाह साहब ने जरा वो मलफूजात मेहरिया लिख, ये सारा कुछ मेरे आका मौला ने फरमाया मेरे जरे वो ये फकीर ए दरवेश ए जी स्याही नाल ये किताब लिखणगे ना तो इलम फैलाणगे। फरमाया ये तो क्यामत वाले दिन शहीद के खून नाल भी स्याही बच जाएगी। इन गुलामों का ये मसला कह के नाकिस है किताब कि इस वक्त भी दसो हजूर गौस पाक अब्दुल कादर जिलानी की किताब गुणिया तो तालबीन ते पाबंदी लाने का मतलब की है? जे इन्हां बजुर्गों नूं दीन समझ नहीं आया या इन्हां बजुर्गों को दीन खालस नहीं आया तो फिर और कित्थे वे? दाता लिया जमेरी कशफुल महजूब लिखी, दसो कशफुल महजूब के बारे पाबंदी लाने का मतलब की है? पीर मेर अली शाह साहब की किताबों से पाबंदी लाने का मतलब की है? इन्हां जे फकीरां दी किताबां नूं जरा पाबंदी ला दी तो फिर तुसीं कितनियां किताबां कढोगे अपनी नस्ल नूं दीन पढ़ाओगे? ये भी जहाँ फिरका वरीयत फैला रही है, फतावा रजिया शरीफ भी फिरका वरीयत पढ़ा रहा है जी, अहमद यार खान नईमी की किताब भी फिरका वरीयत फैला रही, पीर मेरे शाह साहब की किताब भी फिरका वरीयत फैला रही, जरा गौस पाक अब्दुल कादर जिलानी की भी किताब फिरका वरीयत फैला रही जी, दाता अली अजमेरी की किताब भी फिरका, तो फिर दसो ना खालस दीन कितों मिलेगा?
खालस जी ने असं कि लवेंगे जल्यो खालस दीन इन्होंने बजुर्गों के दरगाह तो मिलता है, खालस दीन इन्होंने बजुर्गों की दर तो मिलता है, खालस दीन इतों मिलता है। गुनिया तो तालिबीन फिरका वरीत नहीं फैलाती। इकबाल कहता इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकस है किताब, सिखाती नहीं मुसलमान का गुलामी के आदाब। इन गुलामों को गुलामी पे करते हैं रजामंद और तावील मसाइल को बनाते हैं बाना। ओ जी इंज हो गया तो वो हो गया जी, ए लिखिया तो वो लिखिया। मैं क्या जो लिखिया मेरे बुजुर्ग लिखिया गल खत्म हो गई, बुजुर्गों तो लिखिया ना, जो बुजुर्ग लिख दिता बस गल खत्म हो गई। अल्लाह बरेलवी जो लिख दिता, गोस पाक जो लिख दिता, दाता लिजवरी जो लिख दिता, बस गल खत्म हो गई। असी अगे की गल कर फिर उस तो बाद कोई गल नहीं होनी। रामी कदर हजरात अजोर गौस पाक अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह ताला ने आप दा ये महीना रबी उसानी शरीफ है पहला जुमा है। हाँ जी रबी उसानी शरीफ का पहला जुमा अजोर गौस पाक अब्दुल कादर जिलानी के जेरे वाले सन ना हजरत अबू मूसा, हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त। आप जंगी दोस्त पता क्यों कहते सी? आप जंगी दोस्त इस वास्ते कहते सी कि एक दफ़ा आप निकले तो एक बादशाह का काफिला जा रहा सी और बादशाह के काफिले के शराब के मटके सन पूरे घड़े उन्हें भर के रखे से शराब दे। तो आप जो गए ना तो आपको पता चलिया कि इन्होंने मटकों के शराब है। तो हजूर गौस पाक के वाले जेरे सन अबू साले मूसा जंगी दोस्त, आपने उन्होंने मटकों को तोड़ दिता। कहते फकीर तो किसी कुछ कहता नहीं, सूफीजम सूफीजम सूफी तो किसी को कुछ कहता नहीं। जलिया वो सूफी नहीं, असं उन्होंने सूफिया मनने जेरे बादशाहों के अगे भी ललकार बन दे। सूफी किसी का कुछ नहीं कहता, यह पता नहीं इन्होंने कितों फलसफा छड़िया। सूफी किसी ने कुछ नहीं कहता, सूफी नहीं सूफी असं इन्हों मनते। हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त आपने जरा वो मटके ने जनाब तोड़ के रख दिता जी। फिर जनाब बादशाह को भी आ गए, कचहरी भी लगी, फिर गलबात भी हुई। मतलब ये कि सूफी यह नहीं होंगे कि जरा बुराई में वेख के जनाब वो तस्बीह हाथ फड़ के इधर निकल जाए तो इधर निकल जाए। सूफी उन्होंने नहीं कहते, सूफी उन्होंने कहते निकल कर खान का होसे अदा कर रस्म शबीरी। अगर तेनों वलैत मिल गई है ना तो तू सूफी बन गया है, तो फिर याद रख दुनिया के फरियाउन की अख दे अख पा के रखनी है। हजरत अबू जर गुफारी तो वड्डा कोई सूफी है? हजरत अबू जर गुफारी जी अल्लाह अकबर, जिन्ना रात का रखिया तो दिन का नहीं रखिया, दिन का रखिया तो रात का नहीं रखिया। हजरत अबू जर गुफारी दो दफा, एक दफा हजरत उमर फरूक ना लड़ पे और एक दफा हजरत उस्मान गनी ना लड़ पे इस गल से। हजरत उमर कह लगे ऐ उमर तुसा बैतुल माल के अंदर मार रखे है, तुहानू अल्लाह का तवक्कल कोई नहीं? जरा अल्लाह तला सानू रात में दे रहा वही अल्लाह तला सानू दिन में देगा, जरा सुबह खाना दे रहा वही रात में देगा, जरा रात में दे रहा वही सुबह देगा। यह तो तवक्कल तो अबू जर गुफारी तो वड्डा तवक्कल आला और कौन हो सकता है? मेरे आका मौला ने खुद फरमाया, फरमाया ए मेरी उम्मत का मसीह है। हजरत अबू जर गुफारी ने फरमाया मसीहुल इस्लाम, ए मेरी उम्मत का मसीह है अबू जर गुफारी। तो करते की सन अबू जर गुफारी? हजूर की उठनी चलाते होंगे सन, हजूर दठनिया चलाते होंगे सन जी, हजूर दठनिया चलानिया। नाल आपका एक बेटा भी, आपकी औलाद एक एक बेटी सी एक बेटा सी जी। तो हजरत अबू जर गुफारी जेरे सन ना ये ऊंठ ऊंठनिया चढ़ाते होंगे सन, तो आप दी हजूर दी ऊंठनी दी नमूस वास्ते आपका बेटा शहीद हो गया। सानू कहते जी हजूर दी नमूस दे, फिर तवीलां कढ़दे इन गुलामों का ये मसला कह के नाकिस है किताब, सिखाती नहीं मुसलमान को गुलामी के आदाब जी। फिर तवीलां कढ़दे जी इंज हो जाएगा वो। मैं क्या हजूर दी ऊंठनी दी नमूस ते अबू जर गुफारी अपना बेटा दे दिता, बेटा तो शहीद हो गया। फिर आपकी एक बेटी सी और तो औलाद कोई नहीं सी। तो जदों तबूक के हजूर तशरीफ लैके जा रहे ना तो हजरत अबू जर गुफारी पिछे रह गए आखिर। हजूर तशरीफ लैके जा रहे जंग वास्ते ना जियाद वास्ते, तो अबू जर गुफारी जेरे सन पिछे लेट हो गए, पिछे रह गए, गैब हो गए मजमे चू ना काफले चू। तो लोगों ने फिर जहर जिन्हें लोग उन्हीं गल् जिन्हिया जबाना उन्हीं गल् लोगों क्या जी अबू जर गुफारी जात तो नस गया डर के, जहाज तो नस गया। मेरे आका मौला ने अगे जा रहे थे, थोड़ी देर गुजरी तो दूर जरा ना वो गर्द उड़ती नज़र आई जनाब, घट्टा मिट्टी उड़ती नज़र आई। तो जो खलो के वेख्या ना दूर, तो मेरे आका मौला ने उत्थू फरमा दिता, फरमाया मेरा अबू जर आ रहा है, मेरा अबू जर आ रहा है। अबू जर गुफारी जो आए ना हजूर के कोल, तो हजूर ने पूछा अबू जर गुफारी लेट क्यों होया?
तो उन्हें क्या हजूर मैं जो दुआ रहा तो मेरे मेरी जो सवारी से बीमार हो गई, फिर मैं उत्थे इलाज वास्ते रुकिया लेकिन वह इलाज नहीं हो सकया, फिर मैं उन्होंने उत्थे छड़िया। मैं अपना जरा समान लिया, उन्होंने वो जरा समान पिछे गड्डी चुकी सी, उन्हें क्या मैं अपना समान लिया तो मैं क्या जिते हजूर जा रहे मैं भी पिछू जा कर हल जाना। ऐ बुजुर्ग फारी जी, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू ज़र तू हमेशा कल्याण रहना है, तू कल्ला आया कल्ला जाएगा कल्ला रहेगा। तो वही गल हुई हज़रत उमर फरूक नू जनाब बैतुल माल जो माल जमा होया तो हज़रत अबू ज़र गफारी गुस्से च आ गए, उन्हें क्या उमर तेनू इस गल का पता नहीं जेरा खुदा रात में दे रहा उ खुदा दिन में भी देगा सुबह देगा, तू माल जमा करके क्यों रखिया, ये खुआ दे वंड दे तकसीम कर दे सारा। यही तो फकर है और की है, सखावत फकर नहीं, तकसीम करना फकर नहीं। अबू ज़र गफारी आपने फरमाया उमर ए क्यों माल बचा बचा के रखे, तकसीम कर सारा। हजरत उस्माने गनी के दौरे भी हजरत मीरे मुआविया ने बकायदा खत लिखा उस्माने गनी नू के ए बाबा जी जे अगर दो दिन होर रहे तो मेरी गवर्नी जांदी रहनी है, क्यों जी इन्हू वापस बुला लो, ए बाबा तो साढ़े टिकट नहीं दे रहा जी। इंज दा जनाब फकर होवे, फकर ए अबू ज़र होवे जी, तो फिर हजूर दी नमूस ते कुर्बान हो जाए। असी अपना आप क्यों बचा के रखिए, असी अपना आप बचा बचा के क्यों जनाब गिर गए सजदे में शेख जब वक्त क्याम आया, जदू खड़ा होने का वक्त आया सी उल्ले शेख साहब ने सजदा कर दिता जी, तो तीर जरा बर्मा की बच्ची जा के लग गया, हमला जरा अफगानिस्तान के मुसलमान से हो गया, हमला जरा वो चिचनिया के जनाब मुसलमाना हो गया, हमला फलस्तीन हो गया, हमला कश्मीर हो गया, तो सारी कौम जनाब सुती रूह सुना जंगल रात अंधेरी ते छाई बदली काली है, सोने वालो जाग तेरे यो चोरो की रखवाली है। असी ते इंजे फकीरां नूं मनिया, असी इंजे दे फकीरां नूं मनिया, असी फकीर मनिया मुजद्दद अलफसानी नूं जी, मुजद्दद अलफसानी अकबर बादशाह दे नाल टक्कर ले ली, जहांगीर बादशाह नाल टक्कर ले ली, गर्दन ना झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगबां, अल्लाह ने बरवक्त किया जिसको खबरदार। अकबर बादशाह ने टक्कर ली मुजद्दद साहब ने, दसो एक फकीरी मुजद्दद साहब वाली तो एक फकीरी अज दे फकीर वाली जी, इधर निकल जाओ तो उधर निकल जाओ, तो सिर्फ जनाब अपना पेट पालना, तो सिर्फ अपने जनाब नंगर पालने, तो जनाब ओके नहीं नहीं सदके दिनियाँ खानियाँ कुकड़ खाने ना, ये खाने तो फिर हलाल भी करने, खाने तो फिर हलाल भी करने, हलाल नहीं करने तो फिर आराम लैके जाना, तो फिर रब ताला भी फिर क्यामत वाले दिन भी जाना, जनाब लित्तर ही मारने फिर लम्या पा के फरिश्ता और उन्हें की करना। असा 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 बजुर्ग मनिया, फकीर मनिया तो मुजद्दद अलफसानी मनिया, असा मनिया मियाँ मीर मनिया, मियाँ मीर हजरत मियाँ मीर है लाहौर दरबार है मियाँ मीर का, मियाँ मीर मिलन आया शाहजहान, शाहजहान आया मियाँ मीर मिलन वास्ते, तो बादशाह सी ते आप जरा वो अपने जरा वो अपना जरा वो आपका जरा वो घर सी जनाब दूसरी मंजिल चले गए, थले एक दरबान खड़ा कर दिता, तो उन्होंने कहा भी इन जनाब बादशाह अंदर ना वरन दी, तो जदों वो आया तो उन्हें वेख्या दरबान भी खड़ोता तो उन्हें मिलया भी कोना, शाह मियाँ मीर आप उत्ते चले गए, तो थलू खलो के शाहजहान ने गल की, उन्हें कहा फकीरां दे दर ते दरबान नहीं हुंदे, फकीरां दे दर ते दरबान कित्थों आ गए, किवें तुसां रख ले, तो मियाँ मीर उत्थों आवाज लाई, उन्हें कहा होने चाहिए ताकि दुनिया का कोई कुत्ता ना आ जाए। ये है फकीर, क्यों जी हाँ ये फकीर है, यह फकीर दुनिया का कोई कुत्ता ना आ जाए, फकीर अपने जनाब रखवाली अपने बाडी घर रखने चाहिए फकीर, क्यों जी अल्लाह अकबर। गौस पाक है ना, गौस पाक तो उस वक्त का जरा खलीफा सजना अल मुसनद बिल्ला, उन्हें जनाब वो अशरफियाँ लियानियाँ थैलियाँ पा के गौस पाक ने दितियाँ, गौस पाक ने इंज अशफी एक हाथे फड़ी दूसरी अशफी दूजे हाथे फड़ी, इंज करके नचोड़ी तो विचू खून निकल आया, आपने फरमाया जालमा इन्ना आवाम का खून नचोड़ नचोड़ के सानू खवा रहा। गौस पाक ने फिर उत्ते गल की, आपने फरमाया मैनू हजूर दी खून दया, क्योंकि अब्बासी अब्बासी सी खलीफा अब्बासी खानदान का, उन्हें क्या मैनू हजूर के खून का या है, वरना मैं इतना खून नचोड़ना सी कि तेरे महल्ले बह जाने से।
ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੈ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਲਾ ਮੇਰੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕਲਮ ਤਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਲਾ ਦੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਝ ਸੇ ਦਰ ਦਰ ਸੇ ਸੱਗ ਸੱਗ ਸੇ ਹੈ ਨਿਸਬਤ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨੂੰ ਸਭ ਫੜਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਸਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜਿਆ ਅਸੀਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜਿਆ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਅਤੇ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਨਾਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਸਾਡਾ ਦਰ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਜਾਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਦੇ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਕਰ ਸੀ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਫਕੀਰ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਉਮਤ ਦੀ ਗੈਰਤ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਫਕੀਰ ਹੀ ਤੇ ਸਨ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਜਿੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਲੱਭਿਆ ਉਹਦੇ ਜਨਾਬ ਜਾ ਵੜਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਲੱਭਿਆ ਉਹਦੇ ਜਾ ਵੜਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਸ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੀ ਉਮਤ ਦੇ ਫਕੀਰ ਅਤੇ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਗਫਾਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਕਰ ਕਮਾਲ ਫਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਰਾਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਰਾਤੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੇ ਦਿਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬਚਾ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਰੀਦ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਕੂਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਦੇ ਬਰੇਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕੂਵੇਂ ਡੁੱਬਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਖਿਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਖਿਜ਼ਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਖਿਜ਼ਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਜ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਹੱਥ ਫੜ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਿਜ਼ਰ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੱਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਖਿਜ਼ਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀੜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਪੀਰ ਹੋਏ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਖਿਜ਼ਰ ਹੱਥ ਪਿਛਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਉਹ ਫਕੀਰ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਈਏ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਤਹਿਕੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਤਵੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੀਰ ਫਦਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਖ ਪੱਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਪੀਰ ਫੜ ਜੂ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਅੱਖਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਲਿਆ ਤੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਪੀਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪੀਰ ਪੀਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਾਂ ਪੀਰ ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਪੀਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਪੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਨਫੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਆਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਹੈ ਜੀ ਪੀਰ ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜਨਾਬ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਾਬ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਨਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪਤਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਹਾਂ ਪੀਰ ਪੀਰ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਫਿਰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰ ਬਰੇਲਵੀ ਸਨ ਨਾ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਦਰੀ ਸਨ ਚੰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਦਰੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਦਰੀ ਸਨ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਮਰੇ ਤੇ ਗਏ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਨ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰ ਬਰੇਲਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੀ ਇਲਮ ਗੈਬ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਬ ਦੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਜੀ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਉਲਾਮਾ ਅਰਬ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ
आला हजरत ने फिर अपने इतराज से जरा इल्जाम लगा सी आला हजरत, फिर आपने उसका जवाब किवें दिता? आपने बुखार भी चढ़िया होया सी, आपके कोल कोई किताब भी कोई नहीं सी, आपके कोल लाइब्रेरी भी कोई नहीं सी, आपके कोल कुतुबखाना भी कोई नहीं सी, आप परदेश भी सन, आप मुसाफिर भी सन, लेकिन आला हजरत ने कोई उजर पेश नहीं किया। आला हजरत ने सिर झुकाया तो गौस पाक नु याद किया। यह गल सी ना, तुझसे दर, दर से सग और सग से है, तेरी बारगाह में लाता है रजा उसको शफी। क्यों जी? आला हजरत यह गल सी ना, आला हजरत फिर खाना काबा के कोल बह के 7.5 घंटे अंदर किताब अल दौलत अल मकिया लिख के अरबी इबारत के अंदर आपने जदू लमाया अरब अगे पेश की, उ आपका खलीफा सी कराची जी, कराची का अबू ज़िया मदनी, आपका ज़ियाउद्दीन मदनी जी आपका खलीफा सी, जदू आपने उन्होंने नुस्खा दिता ना भाई यह जाके चेक करा अरब के उलमा, जदू नुस्खा क्या अरब के उलमाजमान के सामने किताब जहाँ में लिखी गई तो उन्हें क्या यह की बनया ऐ ते और भी लिखी जरी सन भी नहीं आती बार दा आके हिंद अजब अजम दा आके जी अजमी आके हिंद आके बंदा ते ना कोल किताब होवे ना कोल हवाला होवे ना कुतुबखाना होवे ते बुखार भी चढ़िया होवे तबीयत भी ठीक ना होवे ते फिर 7.5 घंटिया के अंदर हजूर दे इल्मे गैब ते दलालत कर दी किताब लिख देवे ते अरब वाले भी मन जान यार ऐ ओ अरबी लिखी जेरी सन भी नहीं आती ऐ कित्थों लिखी ते उन्हें ओ मनन तैयार ही कोई ना मनन वास्ते क्या किताब 7.5 घंटिया लिखी गई। फिर उन्हें की किया, उन्हें किताब का नुस्खा ठपया, ठप के फिर अल्लाह हजरत की बारगाह च आके उन्हें क्या हजूर दसो की बनया थोड़े नाल, ए तुसा जनाब उत्थे ते कोई मनन तैयार ही नहीं कि तुसा किताब 7.5 घंटिया च अरबी वाली लिख दिती। आपने फरमाया जलिया जो मेरे ते इल्जाम लग्या ना तो मैं फिर गौस पाक नूं सोड़िया, मैं क्या हजूर गौस पाक कि तुसा जो क्या सी कि बंदा जना मशरक बैठा नंगा होवे मैं मगरब बैठा कज देना, तुसा जो फरमाया सी कि मेरा इस कदम अल्लाह दे हर वली दी गर्दन ते, हजूर गौस पाक अज मैं मक्के शरीफ दे अंदर तने तनहा अज मैं नंगा हो रहा, मैनू आके कज दियो। पीर इम्तिहान तो लैन तो बाद फिर पीर जनाब अपड़दे भी हैं, हाँ जी पीर फिर अपड़दे भी हैं, वह किवें करके अल्लाह अकबर उस पाक फरमाया इमाम अहमद रज़ा फरमाया जो मैं खाना काबा के दरवाजे के कोल आके बैठा ना तो मैं जनाब किताब शुरू की, तो मैं पहले तो दो नफल पढ़े तो फिर वजू किया, वजू करके दो नफल पढ़े तो फिर मैं आके खाना काबा के दरवाजे के नाल बह गया, तो जो मैं बैठा तो अज नज़र मैं चुकी ना तो अगे हजूर आले सलातो सलाम तशरीफ ले आए। हजूर आ गए, हजूर आए तो हजूर दे नाल फिर मौला अली भी आ गए। बानू ए ताजदारे हलता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, मौला अली आ गए, मौला अली दे नाल फिर हजूर गौस पाक भी आ गए। अल्लाह हजरत आखिया हजूर बोल दे गे तो मैं लिखदा गया। यह गल गल सी, यह फकीर ने साडे किसी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, यह साडे फकीर ने खुली किताब ने क्यों जी, यह साडे फकीर ने। अल्लाह अकबर, जदों ईरान फतह होया ना हजरत साद बिन अबी वकास ने माले गनीमत कट्ठा किया, माले गनीमत ईरान फतह होने तो बाद हजरत उमर के दौर माले गनीमत कट्ठा करके हजरत उमर भेजिया ते नाल एक रुका भी भेजिया, रुके तो पता की लिखिया सी, आपने फरमाया लिख के गलिया, आपने कहा ए उमर ए ओ माले गनीमत उस जगह तू आया जिथू या तो चुकन वाला वेख रहा सी या रब की जात वेख रही सी, और कोई बंदा वेख नहीं सी रहा, यानी कि सानू पता ही नहीं सी कि कितों कितों माल आ रहा। जहर ईरान फतह होया, सुपर पावर सी ईरान, तो जरा ईरान फतह होवे तो ईरान के खजाने उन्हें किन्ने किन्ने जमीनों में छुपा के रखी होने, कोई पता अंदाजा ला सकता बंदा कितने सोने ते जोहरात ते जनाब हीरे उन्होंने कोल होने। जहर एक सुपर पावर फतह हुई ते आपने साद बिन अबी वकास ने आपने खत लिखिया, आपने क्या उमर एदे अंदर एक भी मुजाहिद और गाजी ने इस माले गनीमत अंदर बदअंती नहीं की, किसी एक सुई का नक्का भी नहीं चोरी किया। अल्लाह अकबर, हजरत उमर चीख पे रो पे ते आ फरमांदे मेरी रियाया इतनी जानदार है, पिछे मौला अली खलोते सन दो कदम पट के हजरत उमर दे हाथ मोड़ दे ते हाथ रख के क्या उमर रोंदा किस गल तू है, चीखा क्यों मार रहा है, परेशान क्यों हो रहे हैं, तू जो बददियानत नहीं तो तेरी रियाया किवें बददियानत हो सकती। तवज्जो, फरमाया उमर परेशान क्यों हो रहा,
तू जो बद ध्यानत नहीं उत्ते जो बद ध्यानत ना बैठा होवे उत्ते ईमानदार बैठा होवे जी हाँ हमारा वजीर आजम तो बिल्कुल ठीक है आवाम नहीं ठीक जलिया वजीर आजम ठीक होवे तो आवाम ठीक होंगी एक कितों का तू फलसफा कर लिया वजीर आजम साडा सही है आवाम साडी नहीं सही जलिया जो वजीर आजम उत्ते उमर फरूक जैसा बैठा होवे वजीर आजम उत्ते उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा बैठा होवे वजीर आजम उत्ते शेर शाह सूरी जैसा बैठा होवे जी हाँ यह वजीर आजम बैठा हो ना तो फिर आवाम एटोमैटिक सही हो जाती टेंशन ही नहीं होंगी किसी गल की लेकिन कितों बंदा फकीर लभ के लिया कितों बंदा फकीर लभ के लिया कि हजरत उमर फरूक बैठे खाना खाने वास्ते तो देहात एक बंदा आ गया मदीने का नहीं सी बारू आया तो आया ना तो जो हजरत उमर फरूक के सामने जरा सालर रखा गया ना वो गयो से तो हजरत उमर के नाल ही बह के उन्होंने कहा आ बेलिया तू मेरे नाल ही बह के खा लै तो जो तू नाल बैठा ना तो जल्दी जल्दी गयो जरा सारा वो अपनी तरफ कर लिया मतलब अपने पास कर लिया हजरत उमर ने जो फेल वेख्या ना वेख के उन्हें क्या हो तू अज अज तक तू गयो कभी नहीं खाधा उन्हें क्या नहीं खाधा हजरत उमर चीख मार के पिछे हो गए उन्हें क्या गयो चक लो अज तू बाद उमर भी गयो नहीं खावेगा ऐ फकर है ऐ हुक्मरानी है हाँ जी उन्हें क्या उमर भी अज तू बाद गयो नहीं खावेगा जे मेरी रियाया च एक जाति ने गयो नहीं लभ्या तो मैं खाधा तो कल क्यामत नु कुछ हो जानी हमारा जनाब हुक्मरान तो जनाब ज्ञानदार है अमीन है सादिक है फलां है फलां है जलिया जे तेरा हुक्मरान ईमानदार है तो फिर रियाया क्यों खराब है इहदा मैनू जवाब चाहिए अगर हजरत उमर फरूक जैसा बंदा जी अल्लाह अकबर बीबी रो रही ना बह के हजरत उमर फरूक बाहर निकले बीबी रो रही पूछा क्यों रो रही उन्हें क्या सारी जमा पूंजी आई पैसे कट्ठे करके तो मैं तेल लिया तेल चाहिए मैनू मैं चार दिन काम करके मैं तेल लिया वो लैके आ रही सी डिग्गी ठुड्डा लग्या जो भी होया तेल जमीन ते डुल गया ते हुण मैं की करा आपने आख्या अच्छा यह गल है दुर्रा सी आप दे कोल इंजना डंडा आपने मारिया जमीन जमीन तेल कड तेल कड तो फिर नाल पता कि आपने की इरशाद फरमाया लोग आने एक रूहानीयत रूहानीयत है यदा मुनकर नहीं मैं लेकिन आपने की नाल फरमाया आपने फरमाया दस हाँ उमर तेरे ते कदी इंसाफ नहीं कीता उमर तेरे ते बेइंसाफी कीती है जमीन तेल क्यों पीती बाहर कड ओ तेल जनाब जमीन ने बाहर कड दिता उत्ते आ गया तेल उन्हें कहा नहीं 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 उमर इंसाफ कीता जदू ए आलम होवे ना इंसाफ दा ए आलम होवे हुक्मरान दा ते फिर हर चीज सिद्धी हो जाती फकरे रात आ जो के उरियानी ना मांग इकबाल फकरे रात आ जो के उरियानी ना मांग आ जलाले अंदर मुसलमानी ना मांग इकबाल कहंदा जदू मुसलमाना दे फकीर गए तो मुसलमाना दे अंदर गैरत भी चली गई ए दरस एक ही है और दरस कोई नहीं जिधर भी गल त्रोड़ मरोड़ के लियाओगे ना अगे हजूर ही खलोते जो मर्जी कर लो जिधर भी गल त्रोड़ मरोड़ के लियाओगे ना तू बुखारी का सारा लै मुस्लिम का लै अबदूद का लै तिरमिजी का लै जी छड सारिया नू तू कुरान का सारा लै ते कुरान दे अगे भी ते हजूर ही खलोते ना अगे हजूर खलोते हाँ अगे हजूर खलोते मेरे आका मौला ने फरमाया जरा जनती होएगा ना दुनिया ते वास्ते मुश्किल होएगी परेशानी होएगी तंगियां होनगियां इत्थे जो सानू तंगियां आ रही हैं इहदा मतलब है कि उत्थे साडा मुल पै जाना है हाँ उत्थे साडा मुल पै जाना जहर है जदों असीं इत्थे जनाब अपने जनाब गले फाड़ फाड़ के सीने फाड़ फाड़ के गल्लां करने आ हजूर की इज्जत नमूस दियां गल्लां करने आ ते जदों हजूर साडे सामने आ जाना ते फिर ते गल खत्म नहीं हो जानी फिर ते जनाब हजूर ने खुद कहना हजूर ने फरमाना ए मेरे उम्मती ना आ जाओ ए मेरे उम्मती ना आ जाओ जदों उन्हें बाजे शफा खुलेगा ना किसे पुछिया अल्लाह हजरत को अल्लाह हजरत को उन्हें क्या हजूर जदों पुलिस रात तू लगना तो किवें लगना जहर वाल नाल बरीक होनी तलवार नाल तेज होनी किवें लग सकते आप असी किवें लगांगे ते अल्लाह ते फरमाया छड़ दियो गल असी हजूर अली सलातो सलाम दी आवाज ते रख लगांगे हजूर आवाज लान दे असी लगांगे ओ आवाज इंज दी होनी अज इत्थे जनाब इंज 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 आवाज है पता लग जाए भाई हशर दा जनाब अंदर असी जदों नारा लाना ना ते हजूर ने अपना बाजू शफात खोल के साडे ते साया कर देना ताजदार ए खत्म नबुवत जिंदाबाद नारा होवे आवाज होवे जज्बा होवे ते फिर तुसी हशर तक की तुसा कबर च फदिया जाना है ताजदार ए खत्म नबुवत जिंदाबाद अत्तो
इंज नहीं, ए नारा ढिला मिठा सानू काम नहीं दिंदा। नारा इंज दावे दीवारा इंज गर्जन एक बारी ताजदारे खत्म नबुव्वत। मजा नहीं आया, जो मजा नहीं आया मैं छड़ना नहीं। ताजदारे खत्म नबुव्वत शर्मिंदगी नहीं आ रही, नारा लाने से किवें शर्मिंदगी होनी। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है जोके खुदाई, दोनों इनकी ठोकर पे सहरा दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी है बसराई। दो आलम को करती है बेगाना दिल से अजब चीज है लज्जत आशनाई। शहादत है मतलूब है मकसूद है मोमन, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद।